नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि बेतिया अरेराज पटना फोर लेन का पूरा अलाइनमेंट क्लियर हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि बेतिया जिला में यानी पश्चिमी चंपारण जिला में कौन कौन से गांव में जो है इस फोर लाइन का जो है जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया है और किन किन गांवों से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि यह फोर लाइन जो है अब वाल्मीकि नगर तक जाएगा और इस फोर लाइन से वाल्मीकि नगर की सीधे कनेक्टिविटी बन रही है और इस फोर लाइन के वजह से बेतिया की तस्वीर बदलने वाली है। तो आज के वीडियो में हम तमाम जानकारी आपको देंगे। एक फोर लाइन बन जाने से पूरी बेतिया की तस्वीर बदल जा रही है और बेतिया के लिए सबसे बड़ा सौगात अब तक में इसको हम मान रहे हैं, क्योंकि इस फोर लाइन को हम देख रहे हैं कि बेतिया के जो है घेरा हुआ बनाकर निकल रहा है। तो तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में देंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि अरेराज और बेतिया के बीच में इस हाईवे को पहले बताया गया था कि मात्र 25 किलोमीटर बनेगा, लेकिन अब यह हाईवे 42 किलोमीटर बनेगा अरेराज और बेतिया के बीच में। आपको बता दें कि बेतिया शहर से गुजरने वाला NH-727 जो शहर में पड़ता है और शहर में होने की वजह से काफ़ी आजकल जो है इस हाईवे पर भीड़ लग रही है, तो इस भीड़ को ख़त्म करने के लिए जो है इस हाईवे को अलाइनमेंट में चेंजिंग किया गया और 42 किलोमीटर इस हाईवे को अब जो है बनाया जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि किन किन गाँवों से हाईवे निकलेगा। बेतिया अगर ज़िला की बात करें, अगर पश्चिमी चंपारण ज़िला की बात करें, तो सबसे पहले अगर बेतिया ज़िला में आएगा तो जगदीशपुर पड़ेगा, उसके बाद जमुनिया के रास्ते पकड़िया, बिशनपुरा, नकटी पटेरवा, धूमनगर, करगहिया, भितहा और टोला पर्वतिया, मथौली, हाट सरैया, भरपटिया और तुनिया के रास्ते या हाईवे जो है वाल्मीकि नगर से जो हाईवे आता है उसमें जाकर मिल जाएगा। बेतिया से 3 किलोमीटर जो है बाहर से इस हाईवे को जो है बनाया जा रहा ताकि समस्याएं जो ट्रैफिक की है वो ना है। सबसे जो बड़ी फायदा इस हाईवे से होगा कि जो तौमुखी राज और मनुआ पुल से जो हाईवे बनाया जा रहा है NH-727A तो उसको भी इसमें कनेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा गोपालगंज से जो हाईवे आते हैं उनको भी जो है इसमें कनेक्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि बेतिया के जो पश्चिम में जो क्षेत्र हैं वह क्षेत्र जो है अभी डेवलप नहीं है, चूँकि इधर जो है कोई जो है NH हाईवे नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएँ आती हैं तो आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, चूँकि सिंगल लेन का जो भी इधर जो है सड़कें हैं वो सिंगल लेन के हैं। तो अब यह हाईवे मिल रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपकी क्या राय इस हाईवे के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।